ए सीज़न ऑफ चेंज, बदलाव का मौसम। इस एडिटोरियल में क्या बात की गई है कि ये जो भारतीय मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मीटरोलॉजिकल मतलब यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित जो विभाग है ना, जो कि मौसम के बारे में जानकारी देता है, उसको बोलते हैं अपन ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसको क्या करना चाहिए कि भाई अब ये समय आ गया है कि इसे भी मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी कुछ बदलावों को शामिल करना चाहिए और उन बदलावों के आधार पर मौसम के बारे में भविष्यवाणियाँ व्यक्त करनी चाहिए। इट इज़ टाइम फॉर द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये बिल्कुल सही समय है किसके लिए, ये जो हमारा ये मौसम विज्ञान से संबंधित जो विभाग है इसके लिए, टू इनकॉर्पोरेट, कि ये जो IMD है ये शामिल करे, यानी कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इनकॉर्पोरेट करे, शामिल करे लेसन्स को, है ना, कुछ चीज़ों को शामिल करे फ्रॉम द न्यू नॉर्मल। देखो क्या मतलब है इस न्यू नॉर्मल का, देखो यानी कि ये जो IMD है ना, इसने क्या है कुछ अपने मापदंड स्थापित कर रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई अगर 90 सेमी वर्षा हुई तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, है ना, किसके अनुसार, IMD के अनुसार, जैसे कि ये इसने मापदंड निर्धारित कर रखा है। अब नए मापदंड जो है ना, तो उन न्यू नॉर्मल के हिसाब से, है ना, जैसे नए माप, न्यू नॉर्मल आपने क्या बना दिया कि नहीं साहब अगर 88 सेमी बारिश हुई तो इसको नॉर्मल माना बन जाएगा, तो इसी तरह से ये जो न्यू नॉर्मल्स हैं इनके आधार पर जो है, इनको न्यू नॉर्मल को देखते हुए कुछ चीज़ें मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को शामिल करनी चाहिए मौसम के बारे में कुछ भी अनुमान व्यक्त करते वक्त। आगे देखते हैं कि इन द सीज़न ऑफ द एबनॉर्मल, अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, इन द सीज़न ऑफ द नॉर्मल, एक होता है नॉर्मल टाइम, एक है एबनॉर्मल टाइम। इस टाइम को हम बिल्कुल एबनॉर्मल कह सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बंद पड़ी है, कोरोना वायरस का कहर चारों तरफ छाया हुआ है ना, तो इसीलिए कहा है एडिटोरियल कि इन द सीज़न ऑफ द एबनॉर्मल, कि इस एबनॉर्मल समय में द IMD हैज़ अनाउंस्ड दैट, IMD ने घोषणा की है क्या, द मानसून दिस ईयर, कि इस वर्ष मानसून वुड लाइकली बी नॉर्मल, कि इस वर्ष मानसून के नॉर्मल रहने की संभावना है, है ना, ऐसा उसने कहा है किसने, IMD ने। आगे देखते हैं द एजेंसी फॉलोज, अब ये IMD के लिए कहा गया है कि नहीं, जो IMD है ये फॉलो करता है, मतलब अनुसरण करता है किस चीज़ का, ए टू स्टेज फोरकास्ट सिस्टम, यानी कि ये जो IMD मौसम के बारे में अपनी भविष्यवाणी देता है ना, ये दो चरण होते हैं इसके ना, टू स्टेज होती है इसकी, टू स्टेज फोरकास्ट का मतलब भविष्यवाणी करना है ना सिस्टम, जैसे इंडिकेट मतलब इशारा करना, सूचना देना इन अप्रैल, कि एक बार तो पहली सूचना देता है अपना ये जो मौसम विभाग है ना, पहली सूचना देता है अप्रैल में क्या सूचना देता है, वेदर देर आर चांसेस ऑफ ड्रॉट और एनी अदर एनोमली का मतलब होता है विसंगति, मतलब कि भाई नॉर्मल से कुछ, जो नॉर्मल ना हो ना उसको बोलते हैं एनोमली, है ना, नॉर्मल से कुछ अलग हो मामला। तो अप्रैल में जब ये अपनी भविष्यवाणी करता है मौसम विभाग, तो उस दौरान ही क्या बताता है कि भाई संभावना है ड्रॉट यानी सूखा, कि भाई सूखा पड़ने की संभावना है, कि भाई नॉर्मल रहेगा या कुछ विसंगति रहेगी, है ना, एनोमली कुछ देखने को मिलेगी। एंड देन, और दूसरी घोषणा करता है ये सेकेंड अपडेट, दूसरा अपडेट है ना, दूसरी जानकारी ये देता है लेट जून में, है ना, कि पहली घोषणा इसने कर दी, पहली भविष्यवाणी इसने कर दी अप्रैल के दौरान, उस दौरान हमारा जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ये बता देता है कि भाई सूखा पड़ने की संभावना है या फिर जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है मामला। और दूसरी जब घोषणा करता है ये जून में, तो उस दौरान क्या बताता है ये जो IMD विद ए मोर ग्रैन्युलर लुक, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना ग्रैन्युलर, इस ग्रैन्युलर का मतलब होता है इंक्लूडिंग स्मॉल डिटेल, मतलब बिल्कुल एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से जाँचना, है ना। तो जब ये जून में अपनी दूसरी घोषणा करता है मौसम के बारे में, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं मानसून के बारे में, तो बारीकी से जांच के करता है उस घोषणा को, है ना, उस भविष्यवाणी को, एट हाउ द मानसून विल लाइकली का मतलब है होने की संभावना, और जब जून के लास्ट में बताता है कि एट हाउ द मानसून विल लाइकली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द कंट्री, कि भाई मानसून जो है पूरे देश में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब भाई यहाँ पर किस तरह से मानसून जो है फैलेगा, है ना, कि भाई क्या मानसून की स्थिति रहेगी पूरे के पूरे देश में, एंड वेदर डेंजर साइंस आर इमिनेंट, और जून के लास्ट में ही IMD ये भी बताता है कि क्या वेदर डेंजर साइन, कि भाई कहीं खतरे के निशान तो नहीं है, इमिनेंट का मतलब होता है बिल्कुल निकट होना, बिल्कुल करीब होना, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई खतरे के निशान बहुत करीब है, है ना, तो वो चीज़ें भी ये जो है जून के उसमें बताता है। तो इस तरह से यहाँ तक क्या बताया कि भाई ये जो IMD है इसने अपनी अपनी जो है प्रेडिक्शंस कर दी हैं, अपनी घोषणाएँ कर दी हैं इसने
अपने अनुमान व्यक्त कर दिए, और फिर इसके बाद में हमें बताया गया कि भाई ये दो चरणों में अपने अनुमान व्यक्त करता है, पहला देता है अप्रैल में और दूसरा देता है जून के लास्ट में। आगे देखते हैं। नॉर्मल मीन्स, अभी जब IMD कहता है ना कि भाई मानसून नॉर्मल रहेगा, तो क्या मतलब होता है इसका? नॉर्मल मीन्स इंडिया विल गेट 100% ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज, 100% ऑफ इट्स लॉन्ग पीरियड एवरेज, कि भाई जो एक एवरेज बारिश होती है ना, मतलब एक लंबे समय से जो एवरेज होती रही है ना, तो उसी एवरेज के अनुसार अगर बारिश होती है तो बोल देता है ये कि भाई ये क्या कहते हैं नॉर्मल है। विद ए पोटेंशियल 5% एरर मार्जिन, पोटेंशियल मतलब संभावना, मार्जिन मतलब कि भाई ये इतना गैप कि भाई 5% ऊंच नीच हो सकती है, 5% चूक हो सकती है इसमें, वरना इतना ही रहेगा मतलब, है ना। विद ए पोटेंशियल 5% एरर मार्जिन, कि भाई एक मार्जिन लगा के रखते हैं थोड़ा सा कि भाई हाँ 5% ऊंचे नीचे हो सकता है, वरना ये नॉर्मल रहेगा इतना ही, कि जो एवरेज रहता है तो उसको इसने नॉर्मल माना है IMD ने। आगे देखते हैं। द IMD's अप्रैल फोरकास्ट, कि ये जो IMD के अप्रैल के जो फोरकास्ट है, फोरकास्ट मतलब यही मौसम के बारे में पहले से भविष्यवाणी करना। एक्सपीरियंस सजेस्ट अनुभव बताता है। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, कोमा कोमा लगा के एक कोमा यहाँ लग गया, फिर ये दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ लग गया, और यहाँ पे जाके वाक्य खत्म है। तो ऐसे वाक्यों को क्या है, धीरे धीरे पढ़ा करो आराम आराम से। द IMD's अप्रैल फोरकास्ट, कि IMD के ये जो अप्रैल की एक तरीके से ये जो फोरकास्ट हैं, घोषणाएं हैं या भविष्यवाणी है, वो ये बताती हैं IMD, है ना। क्या अनुभव हमारा ये कहता है, एक्सपीरियंस सजेस्ट इज नॉट मच टू गो बाय। देखो इसको इस तरह से पकड़ लेना, द IMD's अप्रैल फोरकास्ट, फिर यहाँ आना सीधा, इज नॉट मच टू गो बाय, कि IMD के जो अप्रैल के फोरकास्ट होते हैं, इज नॉट मच टू गो बाय, यानी कि IMD की अप्रैल की जो भविष्यवाणी होती है ना, इज नॉट मच, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि आप जो है उसको फॉलो करो। ये जो गो बाय लिखा हुआ है ना, गो बाय का मतलब होता है टू फॉलो समथिंग, है ना, कि आप जो है अप्रैल की भविष्यवाणी पर भरोसा नहीं कर सकते। स्पेशली खास करके इफ द एजेंसी डिक्लेयर्स इट नॉर्मल, और यदि मानो IMD ने अप्रैल की भविष्यवाणी करते वक्त उसने बोल दिया कि मानसून नॉर्मल रहेगा, तब तो आपको करना ही नहीं चाहिए, खास करके स्पेशली इफ इट डिक्लेयर्स इट नॉर्मल। आगे देखते हैं। स्पेशली इफ द एजेंसी डिक्लेयर्स इट नॉर्मल, एज रेयरली डू वेदर मॉडल्स कैच साइंस ऑफ एन इम्पेंडिंग शॉर्टफॉल और ए लार्ज एक्सेस इन अप्रैल। देखो करेंगे इसको, ये जो बिना बीच बीच में छोड़ दिया ना, ये इफ एवर छोड़ दिया, सारा बताऊंगा, इसको पहले समझते हैं आप पूरा की पूरा क्या कहना चाह रहे हैं। एडिटोरियल ये कह रहा है कि अगर IMD अप्रैल की भविष्यवाणी करते वक्त ये बोल देता है ना कि मौसम जो है मानसून जो है नॉर्मल रहेगा, आपको उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार ऐसा होने को, कभी कभार रेयरली मतलब बहुत ही दुर्लभतम स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि ये जो मौसम का जो मॉडल है ना, कैच साइंस ऑफ एन इम्पेंडिंग शॉर्टफॉल और ए लार्ज एक्सेस इन, कि अप्रैल में ही आपको ये पता चल जाए कि बारिश में शॉर्टफॉल रहेगी, कमी रहेगी, या बारिश ज़्यादा में रहेगी, है ना। तो ये जो मौसम का जो मॉडल है ना, ये पकड़ नहीं पाता चिन्हों को। इम्पेंडिंग मतलब होता है, इम्पेंडिंग मतलब कि आगे आने वाला क्या है, एक जैसे इम्पेंडिंग, जैसे मैं बोलूँ इम्पेंडिंग डेंजर मतलब आने वाला खतरा, है ना, कि आगे आने वाला क्या रहेगा मौसम, उसमें कमी रहेगी मानसून में या ज़्यादा रहेगी, ये अप्रैल में ही पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जब IMD ये कहे ना कि IMD अप्रैल की मौसम की घोषणाओं को बताते वक्त ये कहे कि नॉर्मली रहेगा, तो उसको बात आप नहीं मान सकते, है ना। कभी कभार ही ऐसा होता है, मतलब इफ एवर, अगर कभी हो, इफ एवर का मतलब यदि कभी हो, तो मतलब बहुत मुश्किल होता है ऐसा, ज़्यादातर मामले में हमें जो है ना इस बात को नहीं मान सकते, यानी कि अप्रैल की ये जो घोषणाएं होती हैं, अप्रैल की जो अनाउंसमेंट होती है ना, उस पर ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते मौसम का, है ना, बिल्कुल अप्रैल में ही पता नहीं लगा सकते आप कि शॉर्टफॉल रहेगा या ज़्यादा रहेगा। आगे देखते हैं। ऑल्सो बींग ए पार्ट ऑफ, मतलब एक हिस्सा है, बींग मतलब होना, ऑल्सो बींग ए पार्ट ऑफ हायरार्कियल गवर्नमेंट सेटअप। हायरार्कियल का मतलब क्या होता है, पदक्रम, श्रेणी क्रम, जैसे कि कोई बड़ा है फिर उससे छोटा है फिर उससे छोटा है, इस तरह से जब जमाते हैं ना क्रमवार रूप से, तो उनको बोलते हैं हायरार्कियल। अब ये क्या है IMD, ये भी तो एक गवर्नमेंट का ही सेटअप है, एक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, गवर्नमेंट की सरकार की ही तो कड़ी है ना, ये भी एक है ना। तो द एजेंसी डिफॉल्ट तो जानते हो ना, डिफॉल्ट का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना कि मोबाइल, देखा हुआ आपने मोबाइल में डिफॉल्ट सेटिंग होती है, मतलब जो पहले से ही बनी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, है ना। तो द एजेंसी डिफॉल्ट्स टू बींग कंजर्वेटिव। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा व्यंग्य करना चाह रहा है एडिटोरियल, क्या व्यंग्य करना चाह रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा IMD है ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, पारंपरिक, रूढ़िवादी, है ना, कि भाई जैसा चला आ रहा है ना वैसे, कि उसी में विश्वास रखते हैं, कोई नई चीज़ करने में विश्वास नहीं रखते।
तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है साहब कि ये भी सरकार का ही हिस्सा है आईएमडीबी, तो बिल्कुल सरकार की तरह ये भी एकदम पारंपरिक तरीके से ही पूरा की पूरा काम करता है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये कंजर्वेटिव है। इन अप्रैल लास्ट ईयर, पिछले साल अप्रैल में हमें क्या देखने को मिला, इट सेड, इस आईएमडी ने क्या कहा कि द मानसून वुड बी नियर नॉर्मल। इसने कहा कि मानसून जो है, पिछले साल की बात हो रही है, पिछले साल अप्रैल में आईएमडी ने ये कहा कि मानसून जो है लगभग नॉर्मल रहेगा। एन आर्बिट्रेरी कैटेगरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, कैटेगरी का मतलब है वर्गीकरण कर देना ना, कि अपने मन से बोल दिया इसने ऐसे ही, एन आर्बिट्रेरी मनमाने रूप में इसने बोल दिया कि मानसून जो है लगभग नॉर्मल ही रहेगा पिछले साल। और क्या देखने को मिला हमें पिछले साल, प्राइवेट फॉरकास्टर, तो एक तो देखो मौसम के लिए जो भविष्यवाणी की जाती है वो की जाती है आईएमडी के द्वारा, इसके अलावा कई प्राइवेट एजेंसीज भी हैं जो मौसम के बारे में अनुमान व्यक्त करती हैं। तो प्राइवेट फॉरकास्टर की ये जो प्राइवेट लोग हैं ना जो मौसम के बारे में बताते हैं, एक्सपेक्टेड है शॉर्टफॉल, इन्होंने ऐसी उम्मीद की थी कि भाई जो है मानसून कम रहेगा, एक्सपेक्टेड है शॉर्टफॉल है ना, इन्होंने मानसून के कम रहने की उम्मीद की थी। अब ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन्होंने जो मानसून के कम रहने की उम्मीद की थी वो किस आधार पर की थी, प्रेडिकेटेड का मतलब है उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी ना वो इस आधार पे की थी, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्यूचर अलनिनो। भाई ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको लग रहा था कि अलनिनो का निर्माण होगा, अलनिनो का विकास होगा, और अलनिनो के बढ़ते प्रभाव के चलते मानसून कम रहेगा। अब देखते हैं ये अलनिनो क्या है, अलनिनो है ना, अलनिनो क्या है कि एक घटना है, इसको इस तरह से समझ लो, इतना शॉर्ट में समझ लो इसे, कि ये प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र का गर्म हो जाना, इसको बोलते हैं हम अलनिनो। तो इसका क्या है कि जब एक प्रशांत महासागर का बहुत बड़ा क्षेत्र है जब ये गर्म हो जाता है तो इसका प्रभाव मानसून पे पड़ता है। तो प्राइवेट एजेंसीज जो थी उन्होंने क्या कहा कि ये अलनिनो जो है, अलनिनो का विकास हो रहा है प्रशांत महासागर में, इसके चलते पूरी पूरी संभावना है कि मानसून कम रहेगा, ऐसा इन प्राइवेट कंपनीज ने जो है व्यक्त की थी भविष्यवाणी। आगे देखते हैं, द आई एम डी डिड अकाउंट फॉर दिस, आईएमडी ने भी इस चीज को ध्यान में लिया था। अकाउंट फॉर का मतलब है कि भाई आईएमडी ने भी ये जो अलनिनो है ना इस बात को ध्यान में लिया था। डिड यहाँ पे लगाया हमने इम्फेसिस देने के लिए, द आईएमडी डिड अकाउंट फॉर दिस, आईएमडी ने इस बात को भी देखा था, बट सैड, लेकिन आईएमडी ने क्या कहा, इट वॉज अनलाइकली, लेकिन आईएमडी ने कहा कि इस बात की बहुत कम संभावना है, अनलाइकली मतलब ऐसा होने की बहुत कम संभावना है, एलनिनो वुड स्ट्रेंथन एनफ, कि अलनिनो उतना मजबूत हो पाएगा, अलनिनो वुड स्ट्रेंथन एनफ का मतलब है उतना मजबूत हो पाना। आईएमडी ने भी अलनिनो को ध्यान में रखते हुए अपनी भविष्यवाणी की थी, लेकिन आईएमडी का कहना था कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि अलनिनो इतना मजबूत हो पाएगा टू डैम्पन द मानसून, कि वो मानसून को कमजोर कर दे, या डैम्पन का मतलब एक तरीके से कमजोर कर देना, कि भाई एलनिनो इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा है ना, कि वह इतना असर नहीं डाल पाएगा एलनिनो कि वह जो है मानसून को कमजोर कर दे। इट हावेवर, फिर भी आईएमडी ने, हालांकि फिर भी, कैप्ट इट्स एस्टिमेट का मतलब होता है आंकलन, ऑन द लोअर साइड ऑफ नॉर्मल, फिर भी जो है, इट हावेवर ये जो आईएमडी है इसने फिर भी जो क्या किया कि अपने जो आंकलन थे ना, अपने जो अनुमान थे मौसम के बारे में, उनको नॉर्मल से थोड़ा नीचे ही रखा है ना। आगे देखते हैं, इन द एंड फाइनली हमें क्या देखने को मिला, इंडिया रिसीव्ड एक्सेस रेन्स, कि फाइनली पिछले साल हमें देखने को मिला कि इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बारिश हुई है ना, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा, द हाइएस्ट, सर्वाधिक, इन ए क्वार्टर सेंचुरी है ना, क्वार्टर सेंचुरी का मतलब क्या है, 25 वर्षों का समय, क्वार्टर सेंचुरी लिखा हुआ है ना, तो क्वार्टर सेंचुरी का मतलब है 25 वर्षों का समय, कि 25 वर्षों के समय में अगर हम देखें तो सर्वाधिक वर्षा हमें जो है पिछले साल देखने को मिली। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो आईएमडी के जो एक तरीके से एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई आईएमडी की जो घोषणा है ना उन पर आप ठीक तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, खास करके अप्रैल के बारे में, और फिर ये उसने एग्जाम्पल देके भी समझाया। आगे देखते हैं कि द अप्रैल फॉरकास्ट, आगे देखते हैं कि द अप्रैल फॉरकास्ट इज ए वेस्टेज of the agency's reliance on the statistical forecast system. देखो ये जो IMD है, ये जो एजेंसी है, reliance on का मतलब है निर्भर होना, कि भाई ये जो अप्रैल के जो फोरकास्ट किए जाते हैं, यहाँ पे ये जो वेस्टेज लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो, वेस्टेज का मतलब है कि भाई निशान या फिर अवशेष, ऑफ द एजेंसीज रिलायंस ऑन द स्टेटिस्टिकल फोरकास्ट सिस्टम, कि ये जो IMD अपने मौसम के बारे में जो घोषणाएं करती है ना वो इस पर आधारित होती हैं, किस सिस्टम पर आधारित होती हैं, स्टेटिस्टिकल फोरकास्ट सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है,
इस सिस्टम में क्या होता है, वेयर वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर्स, पैरामीटर का मतलब क्या होता है, मापदंड। देखो इस सिस्टम में क्या किया जाता है, ये जो स्टेटिस्टिकल फोरकास्ट सिस्टम है इसमें क्या किया जाता है, वैल्यूज ऑफ सिलेक्टेड मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर्स, कि भाई कुछ चयनित, सिलेक्टेड मतलब कुछ चुनिंदा जो मापदंड है ना, ये जो मीटियोर मौसम विज्ञान के जो कुछ चुनिंदा माप, मीटियोरोलॉजिकल पैरामीटर मतलब मौसम विज्ञान से संबंधित जो कुछ चुनिंदा मापदंड है उनको रिकॉर्ड किया जाता है ना, उनको देखा जाता है। अनटिल मार्च 31 मार्च तक मौसम विज्ञान से संबंधित जो कुछ चुनिंदा मापदंड हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है 31 मार्च तक, एंड परम्यूटेशंस ऑफ दीज आर कंप्यूटेड। परम्यूटेशन क्या मतलब होता है, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है एक तरीके से बदल बदल के देखना। जैसे आपने क्या किया कि आपको मौसम की भविष्यवाणी करनी है ना, मौसम विज्ञान के बारे, तो मौसम विज्ञान से जुड़े हुए जो भी घटक हैं है ना, कि भाई कितना क्या है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके अलावा मतलब जो हवाएं कितनी हैं, इन सारी बातों को देखा आपने, इन सारे कंपोनेंट्स को लिया, फिर इनको आपने जो है बदल बदल के देखा, मतलब कि भाई इतना टेम्परेचर रहा, इतनी हवाएं रहीं है ना, इतनी जलवायु रही, इतना वेदर रहा, तो इनके अनुसार क्या होगा, फिर इसको पलटा कि अगर इतना मौसम, इतना यानी कि जैसे टेम्परेचर में इतना अंतर आ गया, हवाओं में इतनी बढ़ोतरी हो गई, तो इस तरह से इनको बदल बदल के देखा जाता है, उसको बोला परम्यूटेशन। ऑफ दीज आर कंप्यूटेड, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। तो आपने क्या किया, काफ़ी सारे वेरिएबल्स को लिया, मौसम से जुड़े हुए काफ़ी सारे वेरिएबल्स को लिया आपने, उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रखा और फिर उनकी गणना की, एंड कंपेयर्ड टू, और फिर उसके बाद में तुलना की जाती है इन चीज़ों की, कंपेयर टू द IMD's आर्काइव ऑफ वेदर डाटा, वेदर डेटा, कि भाई IMD के मौसम के आर्काइव क्या मतलब होता है, इस आर्काइव का, इसका मतलब होता है संग्रह, एक तरीके से जो लेखागार होता है ना, है ना, उसको संग्रह में जो रखा हुआ है, कंपेयर टू द, इसके बाद में आपने क्या किया, इन सारे चीज़ों को लिया, इन सारे आंकड़ों को लिया और इसके बाद में इनको RBI के पास में जो डेटा है ना उसका जो संग्रह करके रखा हुआ है उसने, उससे कंपेयर करता है, उससे मिलाता है। आगे देखते हैं डिटेल क्या कहना चाह रहा है, कि इट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिव। तो ये जो IMD के द्वारा ये पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, पूरी की पूरी मतलब ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक की जो पूरी प्रक्रिया की बात की हमने, ये प्रक्रिया क्या दर्शाती है, रिफ्लेक्टिव, ये दर्शाती है, रिफ्लेक्टिव है ये, ऑफ एन इरा, इरा मतलब युग, व्हेन लैंडलाइन टेलीफोन्स वर द स्टेट ऑफ द आर्ट। अभी कल भी आया था स्टेट ऑफ द आर्ट, अगर आपको याद हो तो, स्टेट ऑफ द आर्ट, जैसे मैं बोलूँ आपसे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब है आधुनिक तकनीकी, स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है बिल्कुल आधुनिक, इन पर्सनल कम्युनिकेशन। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि IMD जिस पद्धति को अपनाता है ना मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी करने में, वह पद्धति हमें याद दिलाती है उस युग की, कौन से युग की, कि जब लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करते थे, है ना, जब लैंडलाइन टेलीफोन हुआ आधुनिकतम हुआ करते थे, यानी कि इससे बेस्ट हमारे पास कोई साधन नहीं था। इन पर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि यदि हमें किसी व्यक्ति से संवाद करना हो तो व्यक्ति से संवाद करने का हमारे पास जो बेस्ट चीज़ हुआ करती थी कुछ दिनों पहले, वो हुआ करता था साहब लैंडलाइन टेलीफोन। तो अभी भी ये जो है ना एक तरीके से हमारा IMD जो है वो एक तरीके से लैंडलाइन मॉडल पर ही काम कर रहा है। कुल मिला के देखो क्या हुआ है कि जैसे जो जो टेक्नोलॉजी बदली है, तो धीरे धीरे क्या है कि लैंडलाइन को हटके हम मोबाइल के दौर में आ गए, कंप्यूटर के दौर में आ गए, टच स्क्रीन के दौर में आ गए, आज जो है अगर हमें कनेक्ट होना हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो यानी कि इस तरह से विकास किया हमने, लेकिन ये लेकिन क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, कि भाई ये जो IMD है ना अभी भी अपने पुराने मॉडल पर ही अटका हुआ है। ये एडिटोरियल फाइनली यहाँ तक बात करना चाह रहा है। आगे देखते हैं कि अलोंग विथ कनेक्टेडनेस कि भाई जुड़ाव के साथ साथ, अलोंग विथ कनेक्टेडनेस, कनेक्टेडनेस का मतलब है कि भाई ये जो हम कनेक्ट रहने की जो हमारी प्रक्रिया थी ना, कि भाई पहले सिर्फ लैंडलाइन से ही कनेक्ट हो सकते थे, लेकिन अब काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है हमें। वेदर फोरकास्टिंग हैज़ मेटामॉर्फोस्ड। तो जिस प्रकार से ये जो कनेक्ट रहने की जो प्रक्रिया है, यानी कि पहले सिर्फ हम लैंडलाइन से कनेक्ट रह सकते थे, आज काफ़ी सारे साधन उपलब्ध हुए हैं जिनसे हम कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो मौसम की भविष्यवाणी करनी है ना, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, यह भी काफ़ी बदलाव आया है इसमें। मेटामॉर्फोस्ड का मतलब है ये भी, इसमें भी काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी रूपांतरण हुआ है इसमें भी। क्लाइमेट एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल चेंज अलाउज न्यू वेदर वेरिएबल्स। ये क्लाइमेट के साथ एक तरीके से आपको मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, साथ ही साथ
कि ये जो हमारे पास कई सारे नए टेक्नोलॉजिकल जो बदलाव आए हैं अलाउज न्यू वेदर वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे चर, वेरिएबल का मतलब है घटक, है ना, कंपोनेंट्स एक तरीके से कह सकते हो आप, है ना। काफ़ी सारी नई राशियाँ जुड़ गई हैं यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। अब हमारे पास और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अब उन्नत तकनीकी हैं जिन सबका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो ये जो बताया ना वेदर वेरिएबल्स, जैसे कि सरफेस टेम्परेचर, है ना, कि अगर हमें मौसम की भविष्यवाणी, मौसम के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो हम सरफेस टेम्परेचर को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रॉम एज रिमोट एज, रिमोट का मतलब होता है दूरस्थ, है ना, फ्रॉम एज रिमोट एज द साउथर्न इंडियन ओशन, कि ये जो दक्षिणतम, ये जो भारतीय समुद्र है इसका दक्षिणतम जो क्षेत्र है ना, भारतीय समुद्र का जो दक्षिणतम हिस्सा है उसके सरफेस टेम्परेचर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे मौसम की भविष्यवाणी अभिव्यक्त करने में। एंड रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, इसके अलावा ये जो प्रशांत महासागर है इस प्रशांत महासागर की हम रेगुलर अपडेट ले सकते हैं कि भाई प्रशांत महासागर जो है वहाँ पर जलवायुवीय स्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो इन सारी अपडेट्स को इंक्लूड करते हुए हम जो है मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं और हम जो है टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं। आगे देखते हैं टू बी मैप्ड, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इन सबको मैप किया जाना चाहिए। मैप्ड, मैप का मतलब है इन सबको एक तरीके से, इन सबका जो है एक तरीके से खाका खींचा जाना चाहिए यानी कि इनको मैप किया जाना चाहिए, इनको ध्यान में रखना जाना चाहिए और इसके अनुसार जो है सारी चीज़ों को निर्धारित किया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी को ध्यान में लेना है हमें और इसके अलावा ये जो काफ़ी अदर वेदर वेरिएबल्स फैक्टर्स हैं ना, अदर फैक्टर्स हैं उनको भी जो है हमें शामिल करना है। आगे देखते हैं कि पावरफुल कंप्यूटर्स मैथमेटिकली सिमुलेट। अब देखो एडिटोरियल बता रहा है तकनीकी के बारे में, एडिटोरियल बात करता है कि पावरफुल कंप्यूटर्स की आज की डेट में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, यह मैथमेटिकली सिमुलेट द वेदर, गणितीय रूप से सिमुलेट। देखो सिमुलेट का मतलब होता है एक तरीके से नकल करना, है ना, नकल करना मतलब एक तरीके से भाई ये क्या करते हैं कि हमारे पास इतने अच्छे कंप्यूटर हैं आज की डेट में कि मौसम के जो भी हमारे पास आंकड़े हैं इनको तुरंत एक साथ जो है ये उनकी गणना करते हैं तुरंत की तुरंत और तुरंत बता देते हैं कि अब क्या रहेगा, है ना, तुरंत गणना करने में सक्षम है। बेस्ड ऑन दीज वेरिएबल्स, कि ये जो इन वेरिएबल्स की हमने बात की ना, सरफेस टेम्परेचर की बात की या ये जो प्रशांत महासागर के बारे में जो है हमने बात की, तो इन सारे आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास इतने पावरफुल कंप्यूटर्स हैं कि वे तुरंत बता देते हैं कि अगर ये हमारे पास परिस्थितियाँ हैं तो इस तरह से मौसम रहेगा, ये परिस्थितियाँ हैं तो इस तरह से रहेगा। तो इन सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनको आधार बनाकर एंड एक्स्ट्रापोलेट, क्या मतलब है इस एक्स्ट्रापोलेट का? एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है सूचनाओं का प्रयोग करते हुए अंदाज़ा लगाना या फिर सूचनाओं का, जो भी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालना ऑन टू डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम। तो ये कंप्यूटर क्या कर सकते हैं कि बड़े ही फास्ट तरीके से एक तरीके से नकल करते हुए इन सारे जो ये जो मौसम से संबंधित जो भी फैक्टर्स हैं इनको शामिल करते हुए ये एक निष्कर्ष दे सकते हैं हमें, है ना, डिज़ायर्ड टाइम फ्रेम। डिज़ायर्ड का मतलब है वांछनीय, जो आप चाहते हो। टाइम फ्रेम का मतलब है ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। टाइम फ्रेम का यहाँ पे मतलब है कि भाई पर्टिकुलर टाइम, कि भाई किसी निश्चित अवधि में अगर ये 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 कंडीशंस हैं तो क्या मौसम रहेगा, ये कंप्यूटर तुरंत बता सकते हैं आपको। यूजिंग दीज डायनामिकल मॉडल्स इज ए चेंज द IMD हैज़ इनकॉर्पोरेट। अब एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि यह एक मुख्य बात है डायनामिकल मॉडल्स, कि भाई ये जो गत्यात्मक मॉडल है ना हमारे पास, डायनामिकल का मतलब होता है गत्यात्मक, गति से भरा हुआ, यानी कि गत्यात्मक मॉडल का मतलब है कि भाई स्टेटिक नहीं है चीज़ें, चीज़ें अगर चेंज हो रही हैं तो हम भी उन चेंज होती हुई चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं और उसी अनुसार हमारा जो है आगे का प्लान बना रहे हैं। तो उसी तरह से यूजिंग दीज डायनामिकल मॉडल्स इज अ चेंज द IMD हैज इनकॉर्पोरेटेड, कि वह बदलाव, अब ये जो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, अभी ये इज आया इस चेंज के लिए, कि वह बदलाव जो कि IMD ने शामिल किया है इन मॉडल्स को अपनाते हुए एंड एक्सपेरिमेंटेड, इसके साथ ही साथ IMD ने एक्सपेरिमेंट भी किया है विद 4 years, यानी कि ये जो बात की ना हमने आधुनिक तकनीकी की, इनके माध्यम से क्या क्या संभव हो सकता है, ठीक है। तो IMD ने अपने आप में जो एक बदलाव लेके आई है, IMD ने, है ना, जो बदलाव किया है, इज ए चेंज, एक चेंज जो किया है वो ये किया है कि इन गत्यात्मक मॉडल्स को इंक्लूड किया है और लगातार कई वर्षों से जो है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इट मेड 2 key changes दिस ईयर, और इस प्रकार से इन मॉडल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए अभी हमें क्या देखने को मिला है कि IMD ने 2 बदलाव किए हैं। इट मेड 2 key changes दिस ईयर, इस साल IMD ने क्या किया है, 2 बदलाव किए हैं। कौन कौन से बदलाव किए हैं,
कि रिड्यूसिंग द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेनफॉल बाय 1 सेमी, कम करते हुए, रिड्यूसिंग यानी कम करते हुए द डेफिनेशन, कि IMD की मानसून के बारे में जो नॉर्मल की परिभाषा थी उस परिभाषा को उसने बदला है। क्या बदल दिया है? कि अब नॉर्मल रेनफॉल है ना, कि भाई जैसे कि पहले मानो कि जो मानी जाती थी ना उसे 1 कम कर दिए, तो अब कितनी कर दी है उसने, 288। अब 88 को हम क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे, है ना। पहले जो है थोड़ा ज़्यादा मानते थे ना, तो उसको 1 सेमी कम कर दिया है। एंड आगे देखते हैं ऑफिशियली, तो एक काम तो ये किया है IMD ने, दूसरा काम ऑफिशियली कि आधिकारिक रूप से अपडेटिंग मानसून ऑनसेट, क्या लिखा हुआ है, ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब है शुरुआत करना, है ना। तो ऑफिशियली अपडेटिंग मानसून ऑनसेट एंड अराइवल डेट्स फॉर मेनी स्टेट। तो पहला एक काम तो ये किया कि जो नॉर्मल की जो परिभाषा है उस परिभाषा को बदल दिया है, 1 सेमी कम कर दी है नॉर्मल जो है वर्षा को। दूसरी बात क्या है कि साहब ऑफिशियली अपडेटिंग मानसून ऑनसेट एंड अराइवल डेट्स फॉर मेनी स्टेट। इसके अलावा IMD क्या करेगा, भारत के ये जो विभिन्न राज्य हैं ना हमारे, उन राज्यों के लिए उसने शुरुआत की है, मतलब ये इन सभी राज्यों के लिए IMD ये बताएगा कि भाई इन सभी राज्यों में मानसून कब पहुंचेगा, उस डेट को बताएगा। इसके अलावा ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब है कि भाई मानसून शुरू कब हो रहा है, तो मानसून की शुरुआत की डेट को बताएगा, और साथ ही साथ इन राज्यों में कब पहुंच रहा है, सारे के सारे राज्यों में किस डेट को पहुंच रहा है, इस चीज़ों को भी बताएगा। ये नए 2 बदलाव IMD ने शामिल किए हैं। आगे देखते हैं कि दिस वाज लॉन्ग ड्यू, तो ये जो नए बदलाव जो शामिल किए हैं IMD ने, ये काफ़ी लंबे समय से शामिल किए जाने थे। ड्यू का मतलब है बकाया था सबको, ये मामला है ना। दिस वाज लॉन्ग ड्यू एंड कॉन्स्टिट्यूटेड अक्नोलेजमेंट। अक्नोलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकारना, मानना किसी चीज़ को, है ना। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है निर्मित करना। अक्नोलेजमेंट ऑफ द अकुमुलेटेड इम्पैक्ट, अकुमुलेट का मतलब होता है संग्रहित होना, इकट्ठा होना किसी चीज़ का, इम्पैक्ट यानी प्रभाव, दैट ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बीन हैविंग ऑन मानसून पैटर्न्स, खास करके सिटीज़ और स्टेट्स के लिए। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल इस लाइन में यह कहना चाह रहा है कि ये जो बदलाव IMD ने किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं, इन बदलावों को करना बताता है साहब कि हमने स्वीकार किया, है ना, हमने किन चीज़ों को स्वीकार किया, अकुमुलेटेड इम्पैक्ट यानी कि एक तरीके से जो प्रभाव जो कि इकट्ठा हो रहा था, कौन सा प्रभाव इकट्ठा हो रहा था, कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग है एक तरीके से जो पूरा की पूरा जलवायु का गर्म होना है, हैज़ बीन हैविंग ऑन मानसून इफेक्ट, कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसून का जो पैटर्न है इस पर जो प्रभाव लगातार पड़ रहे थे, हैविंग मतलब जो लगातार मानसून के पैटर्न पर जो बदलाव ग्लोबल वार्मिंग पे हमें देखने को मिल रहे थे, खास करके शहरों में या खास करके राज्यों में, इन बदलावों इन इकट्ठे होते हुए बदलावों को हमने स्वीकार किया है, और इनको स्वीकार करते हुए हमने ये चेंज जो है किए हैं ना। थोड़ा सा कठिन है, आराम से पढ़ना धीरे धीरे, तो एक बार समझ में आएगा। एक बार और ले देता हूँ मैं इसे, और फिर आप धीरे धीरे पढ़ना इसे, तब जाके बैठे गए कि दिस वॉज लॉन्ग ड्यू, कि ये जो बदलाव IMD ने शामिल किए हैं काफ़ी लंबे समय से शामिल किए जाने थे, और ये बदलाव बताते हैं, है ना, ये बदलाव क्या बताते हैं, ये बदलाव कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बदलाव क्या बताते हैं, इस बात के स्वीकारकरण को बताते हैं ये साहब, ऑफ द एक्युमुलेटेड इम्पैक्ट दैट, कि भाई लंबे समय से ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये मानसून के पैटर्न को प्रभावित कर रही थी, तो ये जो प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा मानसून पर डाला जा रहा था, इन प्रभावों को हमने स्वीकार किया, इन इकट्ठे होते हुए प्रभावों को हमने माना, और हमने ये चेंज किए, और ये प्रभाव कहाँ पड़ रहे थे, खास करके शहरों में और राज्यों में। आगे देखते हैं कि द मानसून वाज अराइविंग लेटर इन मैनी प्लेसेस, कि ये जो मानसून है ना वाज अराइविंग लेटर इन मैनी प्लेसेस, कि बहुत देरी से आ रहा था, मतलब कई जगहों पर मानसून जो है बहुत देरी से आ रहा था, हैड लॉन्ग वीक स्पेल्स, स्पेल का मतलब है यहाँ पे अवधि, और वीक का मतलब कमजोर, कि भाई कई स्थानों पर मानसून बहुत देरी से आ रहा था, और देरी से आता था और बहुत कम अवधि के लिए रहता था, एंड लिंगर्ड मतलब एंड हैड लॉन्ग वीक स्पेल्स, मतलब ये यानी कि दमदार तरीके से बारिश नहीं होती थी, एंड लिंगर्ड लॉन्गर का मतलब है काफ़ी लंबे समय तक बना रहता था मानसून, लिंगर का मतलब होता है बने रहना, कि बना तो रहता था लेकिन इसका प्रभाव बहुत कम होता था, हैड लॉन्ग वीक स्पेल्स का प्रभाव बहुत कम होता था। आगे देखते हैं कि एडिटोरियल और क्या कहता है कि दिस हैज़ ऑलरेडी हेराल्डेड थिंकिंग, दिस हैज ऑलरेडी हेराल्डेड थिंकिंग। हेराल्डेड का मतलब होता है इंडिकेट करना, सूचना देना, कि दिस हैज़ ऑलरेडी हेराल्डेड थिंकिंग इन द एजेंसी, कि भाई ये जो हमारी IMD एजेंसी है ना, इसको एक तरीके से इशारा मिल गया है ना, उसने इस बात को शामिल कर लिया है, मतलब है ना, ऑन वेदर इंडिया शुड मूव टू ए न्यू मानसून अकाउंटिंग कैलेंडर, कि भाई अब एक इशारा IMD को मिल गया है, क्या इशारा मिल गया है, कि क्या
भारत को जो है मूव कर जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे टू ए न्यू मानसून अकाउंटिंग कैलेंडर, कि भाई अभी क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब है के बजाय, द सेंचुरी लॉन्ग ट्रेडिशन, कि वर्षों से हमारी परंपरा रही है, ट्रेडिशन रही है कि मानसून की गणना हम कब से करते हैं, जून से सितंबर के बीच में करते हैं। तो क्या इस कैलेंडर को हमें चेंज कर देना चाहिए, ये एडिटोरियल कहना चाहिए, टू ए न्यू मानसून अकाउंटिंग कैलेंडर, कि एक तरीके से क्या हमें नया कैलेंडर बना लेना चाहिए, जून सितंबर को बदल देना चाहिए, इसकी तारीखें बदल देनी चाहिए, मंथ बदलना चाहिए। दिस वुड सिग्नल ए ट्रूली मोमेंटस ब्रेक फ्रॉम द पास्ट। तो ये जो भविष्यवाणियां, ये जो संकेत हमें मिलने लगे हैं ना, तो दिस वुड, अगर हम ऐसा करते हैं, इस कैलेंडर को बदलते हैं, तो ये एक संकेत होगा, क्या एक बहुत ही अवसर, मतलब मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब है बहुत ही खतरनाक जबरदस्त अवसर, कि ब्रेक फ्रॉम द पास्ट, कि हम पिछली जो हमारी परंपराएं जो चली आ रही है ना, एक तरीके से एज ओल्ड ट्रेडिशंस जो चले आ रहे हैं, मतलब कि इससे पता चलेगा कि हम जो है आधुनिकता के साथ कदम मिलाने को तैयार हैं। जस्ट एज कोविड-19 इज फोर्सिंग इंट्रोस्पेक्शन ऑन द लिंक्स, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ना, ये दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर कि हम जो है अंतर निरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, किस चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन करें, ऑन द लिंक, कि कौन सी वो लिंक है ना, लिंक का मतलब है जोड़ने वाली घटना, जोड़ने वाली चीज़ें, ऑन द लिंक दैट टाई पीपल ट्रेड एंड इकोलॉजी, कि भाई कोविड-19 ने हमें ये सोचने पर विवश किया है कि वे कौन से हम, कि हम ये मनन करें, अपने अंतर निरीक्षण करें कि वे कौन से कनेक्शन हैं जो लोगों को, व्यापार को और इकोलॉजी को आपस में जोड़ते हैं, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र को जो मिलाते हैं ना, इन सब चीज़ों पर जो है हम देखें, मतलब इट इज़ ऑल्सो टाइम फॉर द IMD, और अब ये IMD के लिए भी समय है कि IMD भी क्या करे, टू इनकॉर्पोरेट, IMD भी शामिल करे द लेसन्स फ्रॉम द न्यू नॉर्मल्स, कि न्यू नॉर्मल्स की मतलब कि ये जो नए मापदंड जो निर्धारित किए हैं ना, जो नए मापदंड हैं, उन नए मापदंडों से कुछ सीखे और उन सीख को मौसम की भविष्यवाणी करते वक्त IMD शामिल करे, ये एडिटोरियल फाइनली बात करता है।